न्यूज नशा, आदत हर खबर की। देखिए फिर भागेंगे, कुछ दिन में भागेंगे, कुछ ही दिन में फिर भाग जाएंगे। कहाँ भाग के जाएंगे? आप लोग के पास आएंगे? कहाँ जाएंगे? तो आएंगे तो फिर लीजिएगा ना आप लोग। सब छोट साल का है कि तो बोले कि हम मोटू दम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे गठबंधन में लोग रख लिया। बिहार में बिहार के जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, पक्का बनाएगा। फिर आ जाएंगे, काम किए हैं, अभी काम कर रहे थे, अभी नियुक्ति पत्र दे रहे थे, सारे नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट रहे। एक प्रधानमंत्री बन लगे ही नहीं, इसीलिए इंडिया गठबंधन को हटा दिया। पहले तो आप लोग कहते थे कि पूरा खूबी है, पूरा खूबी आ चले गए थे। नहीं नहीं, पहले कहते थे आप, पहले कहते थे पटनाथ जी कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में को समझ गया था कि दल बदलू है। भाजपा खुद लगा हुआ है कि क्या गिरा मुंह काला कर दिया जाए। किसका मुंह काला कर दिया जाए? नीतीश बाबू को, बीजेपी नीतीश का मुंह काला करना। आप देखिए ना, अभी पगड़ी इसी सम्राट चौधरी पगड़ी नहीं खोले हैं, तो बोले कि जब मुख्यमंत्री हटाएंगे नहीं तो पगड़ी खोलेंगे नहीं। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक दौर था जब नीतीश कुमार और लालू यादव में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका थी, लेकिन नीतीश कुमार अब दूसरी राह पे चल पड़े हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव में जानी दुश्मनी छिड़ चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कुछ ही घंटों में नई सरकार बनाएंगे और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का जो सत्ता का अध्याय था वो नीतीश कुमार ने बंद कर दिया है और नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लालू जी के साले और राजद के नेता प्रभुनाथ यादव जी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने नई सियासत पारी की शुरुआत की है और सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि RJD लालू यादव तेजस्वी यादव उनको काम नहीं करने दे रहे थे, ये वही नीतीश कुमार है जो लगातार ये कहते थे कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और उनके इस फैसले के बाद बीजेपी में वीरानी छाई हुई है। लगातार RJD के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार से ये सवाल उठ रहे कि आखिर क्या कुछ कारण था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चलेंगे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी हैं। प्रभुनाथ यादव जी, जिस नीतीश कुमार को आपने सत्ता पे बैठाने का काम किया, लालू जी बड़े भाई की भूमिका में रहे, 45 का आंकड़ा होने के बाद भी नीतीश कुमार को आपने समर्थन दिया, एक सालों तक आप लोग का सरकार चला, लेकिन नीतीश कुमार का सीधे तौर पे कहना है कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे थे, नीतीश कुमार को बेइज्जत कर रहे थे। देखिए सरकार में बीजेपी को छोड़ कर आए थे, हमारे दल में आए, हाँ गठबंधन में आए थे, हम लोग उनका स्वागत किए थे। 2022 अगस्त में आए थे बीजेपी को छोड़कर, हम लोग उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किए, मगर फिर ही बात कर रहे हैं कि काम लोग नहीं करने दे रहे थे। कहीं इनके काम में रुकावट कोई नहीं किया, ये अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, देखिए फिर भागेंगे, कुछ दिन में भागेंगे, कुछ ही दिन में फिर भाग जाएंगे। कहाँ भाग के जाएंगे? आप लोग के पास आएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे? नहीं तो आएंगे तो फिर लीजिएगा ना आप लोग। अब तो मैंने कोई सवाल नहीं उठता है, अब सवाल नहीं उठता है, अब तो कोई सवाल नहीं उठता। सीधे तौर पे आरोप लगा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव आप लोग मिलके बेइज्जत कर रहे थे, काम नहीं करने दे रहे थे, नीतीश कुमार को परेशान कर रहे थे। नीतीश जी खुद बतावे हैं कि कौन परेशान कर रहा था, कोई भी परेशान नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे, इन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए डेली मर्डर होता था, डेली 4-5 तो अब जनता सवाल आप लोग से भी करेगी ना कि 2020 में आप लोग जिस भरोसे के साथ जनता को भरोसा दिया था कि आप लोग हमको वोट दीजिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD बनी, लेकिन 2022 में जिस प्रकार से 2020 से लगातार आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दरवाजा बंद हो गया, हम लोग नहीं लेंगे, तो अभी लोग तो कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को अपना लिया, फिर नीतीश कुमार भाग गए। ये सब छोड़ छाड़ का है कि तो बोले कि हम मरतो दम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे गठबंधन में लोग रख लिया। भाई अब जब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, मरतो दम नहीं जाएंगे,
संप्रदाय के साथ है कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, क्रिया खाए थे कि नहीं जाएंगे, तब आदमी महागठबंधन सरकार चलेगा, सरकार चलेगा, तो शपथ ले लेंगे सरकार चलेगा अब नया अब सरकार चलेगा नहीं चलेगा, सरकार तो चलेबे करेंगे ना, जब शपथ भाजपा से समर्थन कर दिया तो सरकार चलाएंगे वो। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है, सम्राट चौधरी बोले थे कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे, तो आप भी वही हैं, बीजेपी के वही हैं। अब तो मीडिया लोगों ने पूछेगा सम्राट चौधरी से कि पगड़ी बांधे हुए हैं तो कब उतारिएगा, अब तो अब आपको नीतीश कुमार मिल गए, आपको भी तो जलील बेइज्जत कर दिए नीतीश कुमार, तब फिर से लीजिएगा अगर आते हैं तो। सम्राट चौधरी ने बताएंगे कि पगड़िया उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, मुख्यमंत्री को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, अब उन बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो फैसला लिए है उससे सीधे तौर पे बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आरजेडी को इतना बड़ा चोट मिला कि कहां कहां दर्द हो रहा होगा बता ही नहीं पाएंगे आरजेडी वाले। हमारे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, हमारे दल का चाहे गठबंधन का महागठबंधन का कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा है, कि उनका इच्छा था कि फिर भाजपा में जाएं, सामुदायिक शक्तियों के पास जाएं, वहाँ अपना इसी करेंगे, अपने चले गए, अब चले गए, अब चले गए तब जनता इनको सबक बताएगा ना, फिर आवेंगे तो लीजिएगा, जनता सिखाएगा, फिर आवेंगे तो लीजिएगा आप लोग, ये क्लियर कर दीजिए। अगर चुनाव लड़ते हैं तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अब 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में? बिहार के जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, पक्का पक्का बनाएगा। फिर आ जाएंगे के वो काम किए हैं, अभी काम कर रहे थे, अभी नियुक्ति पत्र दे रहे थे, सारे नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। अब तो ये क्लियर हो गया ना कि नीतीश कुमार और बीजेपी अगर 2025 में चुनाव साथ में लड़ेगी तो मजबूती के साथ फिर नीतीश कुमार जीतेंगे कि तेजस्वी परास्त कर देंगे? जब ये लोग 80 को हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे तो एक तेजस्वी प्रसाद एक हेलीकॉप्टर से घूमकर 80 सीट लाया। अच्छा अब रास्ता आई सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दुनिया जहान पूरे देश के नेता लागल थे तेजस्वी प्रसाद को हराने के लिए, और तेजस्वी प्रसाद इन लोग को हरा कर अकेले 80 सीट लाया। अब दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, जनते बंद कर दिया, हम आपके पास फिर आवेंगे, अब जनता बंद कर देगा, वैकेंसी नहीं है, अब जनता इनको बंद कर देगा, जनता में कौन बन रहा है बिहार? तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे पक्का, देखिए इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इंडिया गठबंधन बड़े तामझाम के साथ, आप लोग प्रधानमंत्री सुन लीजिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे नीतीश कुमार को, लेकिन ना सीट शेयरिंग की बात होती थी, ना संयोजक बनाने की बात होती थी, आप लोग मिलके कांग्रेस वाले आरजेडी वाले बेइज्जत करते थे नीतीश कुमार को। ये प्रधानमंत्री बनने थे ही नहीं, इसीलिए इंडिया गठबंधन को हटा दिया। पहले तो आप लोग कहते थे कि पूरा खूबी है, पूरा खूबी आज चले गए थे, नहीं नहीं पहले कहते थे, पहले कहते थे पद्मनाथ जी कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को समझ गया था कि दल बदलू है, कब भाग जाएंगे, इसलिए इंडिया गठबंधन अपना राय करके इनको हटा दिया। नहीं आप लोग तो तोड़ना चाहते थे उनके पार्टी को, तभी ना भाग गए नीतीश कुमार। नहीं कोई नहीं तोड़ना चाहते, नहीं तोड़ना चाहते थे बोले हैं। अभी कांग्रेस के खड़गे जी इनको फोन किए कि संयोजक बन जाइए, मना करिए कि हम कुछ नहीं बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, संयोजक बनना, आप लोग पहले काहे नहीं बनाए? पहले सब गठबंधन को तैयारी, खुद यही अगुआ थे, काहे भाग गए? ये तो खुद अगुआ थे, अपने सबको जुगाड़ किए आ भाग गए। अगर सही से रहते रहेंगे जरूर हो सकता था कि ईमानदारी पर इनको प्रधानमंत्री बन जाते। पहले तो आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री एकदम सेटिंग है, अगर ईमानदारी पर ही रहते तो प्रधानमंत्री जरूर बन जाते। अभी तो संयोजक, अभी तो इंडिया गठबंधन को लेकर चलना था इनको, भाग ये अपने आप भाग गए। संयोजक बना रहे थे खड़गे, कांग्रेस बना रहा था, तो मना कर दिया कि हमको नहीं बनना। कहानी खत्म हो गया उनका, खत्म हो गया। अब तो देखिए सीधे तौर पे सरकार टू बोली इनका पॉलिटिक्स खत्म हो गया, खत्म कर दिया, हाँ जनता खत्म कर दिया। देखिए सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी हैं, लालू जी के साले, आरजेडी के बड़े नेता हैं। जिस प्रकार से लगातार बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, बिहार में सियासी घमासान चल रहा है, और जिस प्रकार से एक सालों के अंदर नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और सीधे तौर पे बीजेपी के साथ मिल गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटों में फिर से नई सरकार बनाएंगे, इस पूरे मामले को लेके लालू परिवार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई और सीधे तौर पर कहा है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा और 2025 में तेजस्वी यादव फिर से दमखम के साथ चुनाव जीतेंगे, सीएम बनेंगे।
रोहित यादव, न्यूज नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।